अस्सलामु अलैकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से, जो कि मेरी फ्रेंड कम सिस्टर ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं मुझे। और उनके यहाँ मैं गई हुई थी, उनके यहाँ एक छोटा सा फंक्शन था, उनकी वेडिंग थी 26 नवंबर को। तो अभी उनके यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे। हमारे यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन होता है, रंग और हल्दी का जो सामान है वो लेकर आते हैं गेस्ट ससुराल से, तो वो सभी आए हुए थे। और ये देखें, एक सिस्टर वो हैं जिनको मैंने ब्लर किया हुआ है, और एक सिस्टर ये हैं ब्लैक और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में बैठी हैं। वो तो अपनी सिस्टर इन लॉ के पास बैठी हुई हैं, और हम सभी बैठे थे अभी, बातें कर रहे थे। और एक जगह से गेस्ट जो हैं वो आ चुके थे, और एक जगह से अभी गेस्ट आए नहीं थे, उन्हीं का हम वेट कर रहे थे। तो अभी हम छत पे आ गए थे, तो जस्ट सामने इनका घर बन रहा था, तो अभी वो सामने वाले घर में शिफ्ट हो गए थे। तो अभी उनका घर इनकम्प्लीट है, अभी भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, मे बी जल्दी कम्प्लीट हो जाए उनका घर। तो अभी हम छत पे आए हुए थे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका डिज़ाइन बना था घर का, और सनसेट हो रहा था, काफ़ी प्यारा लग रहा था यहाँ का व्यू। और ये देखें, काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा था, और काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं, स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही हरियाली है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीनरी, क्योंकि ये देखें बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं है, और चारों तरफ घर ही घर आपको नज़र आएंगे। तो ये आपको मैं छोटा सा एक व्यू दिखा रही थी, और यहाँ से मे भी हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था, दिखाई दे रहा होगा। और ये परिंदे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, ये देखें। और हमने छत पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, हम सभी ऊपर आ गए थे। और ये देखें, यहाँ पर बच्चे अपना अलग ही एक टीम बनाए हुए थे, और बहुत ज़्यादा ये लड़की क्यूट थी, इसका नाम था लिशबा शायद, और बहुत ज़्यादा प्यारी थी ये, बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और जिनके यहाँ पे मैं गई थी, मेरी फ्रेंड जो हैं, एक्चुअली मैं सिस्टर ही मानती हूँ उन्हें, तो वो भी बहुत ज़्यादा मुझे मोहब्बत करती हैं, तो सिस्टर ही इसलिए बार बार मुँह से निकल रहा है। और तो वो उनकी चाची की बेटी थी ये छोटी सी, और बहुत ज़्यादा मेरा बेटा भी यहाँ पर आके शैतानी कर रहा था। और थोड़ी देर वेट करने के बाद दूसरे वाले जो सिस्टर है उनकी भी ससुराल से जो गेस्ट थे वो आ गए थे, तो सभी मिलकर यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे थे। और ये देखें, काफ़ी सुकून से नाश्ता किया था हमने सामने वाले घर में, जो कि उनका रेडी हो रहा था, वहाँ पर उन्होंने नाश्ते का अरेंजमेंट किया हुआ था। और ये वहीं पर हम बैठ गए थे, उनके एक चाचू और चाची हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं वहाँ पर, और यहाँ पर हम सब बैठ गए थे कुछ देर के लिए। और ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ज़्यादा क्यूट सा था, और इतनी बातें सुन रहा था, इतनी बातें कर रहा। ये देखें, छोटे बच्चों को भी फ़ोन का पता है आजकल, और वो भी ये देखें, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, एकदम गोलू मोलू सा माशाल्लाह। और तभी उसका भाई आ गया था एकदम से, और थोड़ा सा बड़ा उसका भाई था, उसने ये देखें उसको धक्का दे दिया था। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों की क्यूट क्यूट सी शैतानियाँ, और ये छोटी छोटी गर्ल्स थी, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये देखें, हेलो बोल रही है, और काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, तो इसको मैंने बोला था हेलो बोलने के लिए, और ये सभी बैठ के ऐसे ही बातें कर रही थी, तो मैंने इनको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। और वैसे मुझे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अभी तो हम नाश्ता वगैरह करके आ चुके थे, तो फंक्शन स्टार्ट होने लगा था, तो यहाँ पर जो सामान लेकर आए हुए थे वो अपनी तरफ से, तो वो सभी यहाँ पर लगाने लगे थे। तो जो बड़ी वाली मेरी फ्रेंड हैं, सिस्टर हैं, तो उनकी ससुराल से ये टीका आया था, मांग टीका, जो कि गोल्ड का था, और बाकी
ये सारा सामान आया हुआ था उनके यहाँ से। तो काफ़ी प्यारा सामान आया था, काफ़ी अच्छा, हल्दी के ज्वेलरी, सूट, सैंडल वगैरह सब चीज़ें आई हुई थी उनके लिए। और जितने भी सभी बड़े बड़े थे, उनकी दादी थी, मम्मा थी, ये सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और मैं भी यहाँ पर बैठी हुई थी शूट करने के लिए, थोड़ी सी वीडियो यहाँ से कैप्चर करने के लिए। और उनकी मुमानियाँ भी यहाँ पर बैठी हुई थी। और ये छोटी वाली हैं सिस्टर जिनकी वेडिंग है, तो इनके यहाँ से ये सूट वगैरह लेकर आई थी, इनको इन्होंने पहनाया था। और मेकअप वगैरह ये इनको कर रही थी इनकी ससुराल वाले। और ये देखें, ये इनके यहाँ से सामान आया था, और ये रिंग इनके यहाँ से आई थी गोल्ड की, और एक पायल आई थी ये देखें। और जो बड़ी वाली थी उनके यहाँ से मांग टीका आया था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आए थे सभी। और काफ़ी अच्छे लोग थे और वेल एजुकेटेड थे और काफ़ी अच्छे मोहब्बत वाले लोग थे, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और अभी फिर उसके बाद में जब सारी रस्में हो चुकी थी, तो सभी खाना वगैरह खाने के लिए आ गए थे वहीं पर सामने वाले घर में, तो वहाँ पर ही इन्होंने खाने का जितना भी अरेंजमेंट था वहीं पर किया हुआ था। और ये बड़ी वाली सिस्टर हैं, एक्चुअली मैं मुझसे बहुत छोटी हैं, बट मैं इनमें बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये इनमें ये वाली बड़ी थी और एक छोटी हैं जिनको रेडी कर रहे थे। और इनकी सिस्टर लॉ भी आई थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको अच्छे से रेडी किया था, थोड़ी मैंने भी उनकी हेल्प की थी इनको रेडी करने में। टेरिस से काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्होंने ये देखे, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है सभी बच्चों ने, बड़ों ने, और ये भाई वगैरह थे। क्रैकर्स यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए थे और काफ़ी सभी बच्चों ने मिलकर इन्जॉय किया। सभी लोग जितने भी थे सब ऊपर आ गए थे और सभी वीडियो शूट कर रहे थे। और ये उनके छोटे वाले भाई हैं, सबसे छोटे वाले, और एक बड़े वाले भी भाई हैं, शायद वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। और ये सबसे छोटे हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सभी लोग इनके घर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और चले जाओ तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप इनके फैमिली के मेंबर नहीं हो, इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ये लोग। और इसीलिए मुझे भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अपने लगते हैं ये लोग, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रिश्ते खून के ही होते हैं, और कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी बनते हैं और जो बहुत अजीज़ होते हैं, कुछ रिश्ते दिल से होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनसे प्यार हो जाता है बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी खून के रिश्ते के और बिना किसी ताल्लुक के। और अक्सर मिल जाते हैं तो उनमें इतनी मोहब्बत हो जाती है, ऐसे ही हम कभी मिले थे और हमें इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और ये देखें, अभी गेस्ट वगैरह जो हैं वो जाने लगे थे और मैं इन सभी के फ़ौरन बाद फिर चली गई थी, और 11 बज रहे थे रात के, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आज का व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।